हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मेडिडेज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर 4 के फ्यूचर के अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट है फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के कैरेक्टर से रिलेटिव। आप सभी जानते हो कि फॉक्स का यूनिवर्स 2022 तक का है और रूसो ब्रदर ने अपने Q&A में एक चीज क्लियरली कंफर्म कर दी कि हम अभी इन दो कैरेक्टर को इंक्लूडिंग नहीं करेंगे, यानी कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर, क्योंकि इनका यूनिवर्स अभी और बड़ा हुआ है और हम जल्दबाजी में कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते। यानी कि वो जल्दी से कोई भी कैरेक्टर के ऊपर मूवी नहीं बना सकते, इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है कि हम इन कैरेक्टर को और भी ज्यादा टाइम देना चाहेंगे, यानी कि 2022 तक आप समझ लीजिए कि कोई भी कैरेक्टर इंक्लूडिंग नहीं हो सकता है। ये रूसो ब्रदर ने चीज कंफर्म कर दी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्वल स्टूडियो में 2022 तक हमें मार्वल की मूवी देखनी पड़ेगी, देन उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे डेडपूल 3, एक्सफोर्स और फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नए अपडेट के बारे में। फाइनली डिज्नी की अपकमिंग स्ट्रीमिंग सर्विस में स्कारलेट विच और विजन की एक टीवी सीरीज आ रही है, जिसमें कि विजन का कैरेक्टर रोल प्ले ज्यादा होगा और देन इनका टाइटल आपको नेक्स्ट ईयर तक पता चल जाएगा। Q&A में रूसो ब्रदर ने एक चीज रिवील्ड करी कि वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखाएंगे एवेंजर 4 में एंडिंग में, जिससे कि फैंस को ये एक्सपेक्टेशन हो कि हम 2022 या 23 तक इसकी मूवी रिलीज कर देंगे। वो इस चीज को और डिले करने चाहते हैं। अब इसका रीजन नहीं हुआ है कंफर्म, और ये कंफर्म करा है पीटर ने, जो कि उस इवेंट में थे। और फाइनली सबसे बड़ा अपडेट जो कि मैंने लास्ट में रखा है, वेलकरी की सोलो मूवी आ रही है फेज 4 में, जो कि एक फीमेल सुपर हीरो मूवी होगी। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उस पे हल्क भाई के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहो।